क्रिंक्स जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, जानते हैं उनके दिल के जज्बात। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। ठीक है, करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है एंड टाइमलेस। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे मे बी कुछ ना कुछ तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, ये है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, थ्री ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड ये है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेम, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, एंड फाइनली है यहाँ पे द हर्मिट। ठीक है, छह कार्ड की रीडिंग होने वाली है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। टाइमलेस इसके लिए है बिकॉज मैं यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न फिट नहीं कर रहा हूँ कि अभी के लिए होगी। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। करंट फीलिंग जब भी आप देखना चाहोगे इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे निकालते हैं ओरेकल की रीडिंग। यह है इंटरफेरेंस, ठीक है, ये है सीक्रेट मीटिंग, ओके, ये है शस्टेड, ये है विस्परिंग, एंड एक फिनाले कार्ड निकालते हैं जो कि है सोलमेट। ठीक है, सो ये सारे कार्ड जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। आई होप कि आपको सारे चीज़ें, सारे कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। देखो, बात पहले आती है थ्री ऑफ कप्स से एंड उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई फिलहाल की जो इस व्यक्ति की करंट फीलिंग है वो काफ़ी सही है। हो सकता है इस पर्सन ने ड्रिंक्स वगैरह लिए होंगे, थोड़ा सा रोमांटिक मिजाज में ये लग रहा है। ठीक है, जो भी इसके हिसाब से भी इसके मन में आ रहा है वो इसे मिलना चाहिए और इनफैक्ट मिल रहा है। मे बी अगर आपकी फ़ोटो देखना चाहते हैं तो उनके पास अवेलेबल हो सकती है। अगर आपको कॉल भी करना चाहे तो शायद अपनी रोक टोक नहीं लगा रखी है, इसलिए पर्सन काफ़ी खुशी में है। ठीक है, सेकेंडली मे बी आपके साथ ही ये व्यक्ति जो है अपना जीवन बिताना चाहता है। मे बी आप दोनों साथ में रहते हो या फिर जब जी चाहे मिल सकते हो, तो ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरी अगर हम बात देखें, यह है क्वीन ऑफ कप्स, तो हाँ यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन की सारी अभिलाषाएं, चाहे वो सेक्सुअल हो, रोमांटिक हो, या फिर हम कहें कोई फैंटसी हो या फिर प्रैक्टिकल बात हो कि आपने भी जॉब करना चाहिए या फिर आपकी जो सोच है वो उनके सोच से मेल खाने चाहिए, वो काफ़ी सारी बात यहाँ पे कनेक्ट होती है। अब आप अपने हिसाब से इस कार्ड से कनेक्शन जोड़ सकते हो। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कोई कहता है कि भाई मुझे तो एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति चाहिए, कोई कहता है कि भाई मुझे तो रोमांटिक व्यक्ति चाहिए, कोई कहता है कि मुझे सेक्सुअली ओरिएंटेड व्यक्ति चाहिए जो कि भाई मेरे ख्यालों से मैच करे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इमोशंस आते हैं। तो इमोशंस आपके इमोशनल भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स, तो हाँ ये देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई थिंक इस रिश्ते के लिए पर्सन काफ़ी तड़पा है और इसीलिए अब आई थिंक ये उसका हक है कि वो ये रिश्ता जो है वो इन्जॉय करे, हर समय हर मोमेंट को इन्जॉय करे। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन में इस पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है एंड आई थिंक आपने इनको इसको काफ़ी छूट दे रखी है। जब चाहे तो आपसे बात कर सकता है, जिस लहजे में चाहे वो बात कर सकता है। हालांकि आपको देखते हुए, आपके मोरल्स को देखते हुए, आपके रूल्स को देखते हुए एक शायद बाउंड्री बन भी सकती है। सो इसमें कहीं ना कहीं एक बाउंड्री भी दिखती है और कहीं ना कहीं एक प्रभुत्व दिखता है कि हाँ ये पर्सन जब चाहे आपसे बातचीत कर सकता है। इसको कोई भी रोक टोक फिलहाल तो नहीं है, जो इनके हिसाब से काफ़ी सही बात है प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप के लिए, फिर ऐसा रिश्ता जो चलते ही जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये अगर हम कार्ड देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल माइंड सेट आता है। ठीक है, तो चाहे आप इनके रोमांटिक बिहेवियर को ले लीजिए, इनके सेक्सुअल फैंटेसी को ले लीजिए, वो सारी इच्छाएं आपके यहाँ पे पूरी हो रही है या फिर कहीं ना कहीं आप इनके इस जज्बात की कद्र करते हो या फिर इनको सपोर्ट करते हो। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल आउटपुट की कि भाई ये कितना पैसा कमा लेते हैं या फिर अपना अगर जॉब चेंज करना चाहे, अपना बिजनेस बदलना चाहे, फिर बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो कई कई दिन को अगर बाहर भी रहना पड़े तो भी आप इनको समझ लेते हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन भी इनको यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट है जो कि है द हर्मिट। तो आई थिंक इस रिश्ते में जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको हो रहा है करंट अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो ये है कि इनको सही डायरेक्शन मिल रहा है। मतलब अगर आपसे बात करते हैं तो आप इन्हें परेशान नहीं करते बल्कि इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कई सारे आइडियाज़ शायद आप इनको देते हैं या फिर इनके आइडियाज़ को भी आप सपोर्ट करते हैं जो कि जनरली मुमकिन नहीं होता, और ये बात उनके लिए काफ़ी फेवरेबल है। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप अपने क्रश के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप बात करते हो रिगार्डिंग प्योरली लव रिलेशनशिप, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी कमाल दिखा रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो इंटरफेरेंस दोनों तरफ से हो रहा है, ये भी कहता है कि भाई आप इनके ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते हो, और शायद आप भी कहते होंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई कुछ बातें हैं जिनको ये मैनिपुलेट करते हैं, और क्योंकि ये मैनिपुलेशन सक्सेसफुल होता है इसलिए हमें ये पहला कार्ड मिला थ्री ऑफ कप्स, कि ये खुशी में हमेशा क्यों रहते हैं, बिकॉज आपको मैनिपुलेट करना इनको आ गया है। अब चाहे आप सही से मैनिपुलेट हो जाए या फिर क्योंकि रिश्ता निभाना है इसलिए खुद ही मैनिपुलेट हो रहे हैं या फिर करने दे रहे हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन क्योंकि आप इनकी बात मानते हो, कई बार इनके हिसाब से खुद भी बदलते हो या फिर खुद बदल जाते हो, ये उनको अच्छा लगता है। बदले में आप भी कई बार इनको इंटरफेयर करते होंगे, और जब दोनों साइड से चीज़ें होती हुई दिखती तो हम कह सकते हैं कि भाई रिश्ता सही चल रहा है। मतलब यहाँ पे हर कोई विन विन सिचुएशन में है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तब आप चेंज होते हो, जब ज़रूरत पड़े ये चेंज होते हैं। साथ में यहाँ पे कार्ड है सीक्रेट मीटिंग, तो हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग दिख रही है, तो मे बी ये आपके क्रश हो सकते हैं या आपके सोल मेट भी हो सकते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपने अपने या तो फैमिली को या फ्रेंड्स को बताया नहीं है, और इसीलिए आप शायद छुप छुप के मिलते हैं। एंड जो भी टाइम आपको मिलता है, चाहे वो पैशनेट हो, सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, आप उसे एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है शॉस्टेड एंड ये है विस्परिंग। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को रोमांटिकली आप बहुत पसंद हो। जब बातें होती हैं फ़ोन के थ्रू या फिर आपके बीच करीबी आप बढ़ती है, तो आई थिंक रोमांस या जो फैंटेसी है वो काफ़ी ऊंचाइयां हासिल करती है, और वही बात हमें यहाँ पे नज़र आती है। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और आपकी आवाज़ इनके कानों में गूंजती है। एट द एंड अगर हम कोई कार्ड देखते हैं तो ये है सोलमेट। तो हाँ आई थिंक आप में उनको ये सोलमेट कनेक्शन दिखता है, मतलब आपके जैसा इनको पूरी दुनिया में कोई और मिलेगा ही नहीं। आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये पता नहीं कब से ढूंढ रहे थे। हाँ हो सकते हैं कि काफ़ी सारे कनेक्शंस बने होंगे, बट आपके जैसा कनेक्शन शायद ही बना होगा, और इसलिए आपको लेके वो इतने ज़्यादा सीरियस हमें दिख रहे हैं। सो ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट इवन इन द फ्यूचर।